रेल किरायों में बढ़ोतरी पर असमंजस दूर करते हुए आखिरकार सरकार ने बुधवार को रेल किरायों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया। किरायों में विभिन्न श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर से 10 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। We have not been able to so far achieve this year's targets both on the freight and the fares side. The load, as it was expected, is likely to fall short by, in fact, it has fallen short by 13 million tons by the end of December. So all this, in fact, points to the imperative of modest, a reasonable, if not modest, a reasonable fare hike immediately. जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, बढ़े हुए किराए का ज्यादा भार एसी क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। बढ़े हुए किराया इस प्रकार है। द्वितीय श्रेणी साधारण उपनगरीय 2 पैसे प्रति किलोमीटर, द्वितीय श्रेणी साधारण गैर उपनगरीय 3 पैसे प्रति किलोमीटर, द्वितीय श्रेणी मेल या एक्सप्रेस 4 पैसे प्रति किलोमीटर, स्लीपर क्लास 6 पैसे प्रति किलोमीटर, एसी चेयर कार 10 पैसे प्रति किलोमीटर, एसी थ्री टीयर 10 पैसे प्रति किलोमीटर, फर्स्ट क्लास 3 पैसे प्रति किलोमीटर, एसी टू टीयर 6 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी फर्स्ट क्लास 10 पैसे प्रति किलोमीटर। कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन व्यू एंड द इंपेरेटिव टू नॉट रिड्यूस द एलोकेशंस ऑन सेफ्टी मेजर्स एंड द क्लीनलीनेस ऑन व्हिच आई हैव ट्राइड टू ले एम्फेसिस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 2.5 months, वी आफ्टर ऑल द डिलिबरेशंस, careful consideration of all the issues, have decided to effect an increase in the fare hike with effect from 21st of this month. ये वृद्धि अप्रैल 2012 में फर्स्ट क्लास, एसी टू टीयर और एसी फर्स्ट क्लास के किरायों में की गई वृद्धि से अलग है। रेल किरायों में बढ़ोतरी को सही बताते हुए रेल मंत्री ने बताया कि एक दशक से भी ज्यादा समय से रेल किरायों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसकी वजह से रेल विकास की विभिन्न परियोजनाओं पर असर पड़ रहा है। इस बढ़े हुए किराए से रेलवे को 6,600 करोड़ की अतिरिक्त आय की उम्मीद है, जिसमें 1,000 करोड़ एसी क्लास से आने की संभावना है। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद 26 फरवरी को आने वाले रेल बजट में किरायों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। तो आखिरकार रेलवे ने किराए बढ़ा ही दिए। उम्मीद करते हैं इससे रेलवे की खस्ता हालत काफी सुधरेगी। सिद्धांत सिब्बल, डीडी न्यूज, नई दिल्ली।